नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कर्ज माफी के मुद्दे पर प्रदेश में सियासत जारी है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के कर्ज माफी के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझने लगे हैं। वह कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को रिटायर कर बड़ा नेता बनना चाहते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कर्ज माफी के सवाल कांग्रेस से किए हैं वह सही है। कांग्रेस का कोई भी नेता इनका जवाब नहीं दे पा रहा है। कांग्रेस ने कर्ज माफी के मामले में सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। सारंग ने कहा कि प्रदेश के किसानों के साथ कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ छल किया और झूठ बोला है। विकास दुबे के मामले में दिग्विजय सिंह के और जीतू पटवारी के सवालों पर बोलते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही अपराधियों को संरक्षण देती है। भाजपा ना कभी अपराधियों को संरक्षण देती है ना कभी उसका बचाव करती है। दिग्विजय सिंह उसी पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के अर्जुन सिंह और राजीव गांधी ने भोपाल गैस कांड के आरोपी एंडरसन को भगाया था। दिग्विजय सिंह उस बात का जवाब दे जो भोपाल के हजारों हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, उसे आखिर क्यों भगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। जीतू पटवारी जी अपने आप को कुछ ज्यादा बड़ा नेता समझने लगे हैं। उन्हें लगता है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को रिटायर करके वही नेता बन जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने जो किसानों के साथ कुठाराघात किया है, आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब कांग्रेस के किसी नेता के पास नहीं है। उन्होंने किसान के कर्जे माफी के ढकोसले को केवल झूठ ही साबित किया और किसान के साथ अत्याचार अनाचार किया। सही मायने में कमलनाथ जी या कांग्रेस का कोई भी नेता इस स्थिति में नहीं है कि वो प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।